भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला कार्य समिति की बैठक बेतिया में दिनांक 1/9/2025 को भारतीय जनता पार्टी जिला बेतिया हरिवाटिका चौक चंपारण विवाह भवन में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला कार्य समिति बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेंद्र शराफ और प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा ने किया। वहीं प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भुवन ने मूल्यवान जानकारी साझा की। वहीं मंच का संचालन बेतिया युवा मोर्चा के अध्यक्ष धनंजय कुशवाहा ने किया। ठीक उसी समय जमुनिया के शैलेंद्र गढ़वाल जी उपस्थित दर्ज हुई। बाद में जिला अध्यक्ष दीपेंद्र शराफ, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा और प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भुवन भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मंच पर उपस्थित अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल रहमान साहब को वस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं मंच पर उपस्थित काफी संख्या में और सभी मंडल के अध्यक्ष उपस्थित थे, सभी को वस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं मंच का समापन जिला संयोजक दीपू कुशवाहा जी के द्वारा किया गया। सभी का स्वागत है, मैं मुकेश कुमार। अभी हमारे सामने हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के दीपेंद्र शराफ जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसे मंच पे गढ़वाल जी को सम्मानित करते हुए देखा और जैसा कि सुना कि इन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है फिर से, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जिला परिषद अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल जी एक कर्मठ और संघर्षशील नेता के रूप में इनकी पहचान है। विगत दिनों कुछ त्रुटिवश ये दूसरे दल से चुनाव लड़ लिए थे, पार्टी ने इनकी सदस्यता समाप्त की थी। चूंकि इनका दिल भाजपा से जुड़ा हुआ है और आज वो हम लोगों के बीच फिर से हम लोगों के दल में अपने घर में इन्होंने वापसी की है, इसके लिए मैं इनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। जी गढ़वाल जी, एक क्वेश्चन हमारे जहन में घूम रहा है, जैसा कि आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, बहुत खुशी की बात है कि आप बीजेपी, कहा जाता है कि सुबह का बुला हुआ अगर शाम को आ जाए तो उसे बुला हुआ नहीं कहते हैं, तो आप अपने प्रदेश, अपने जो आप जैसे कि थरवट से बिलोंग करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? कोई खुशी आपके दिल में उसको जाहिर कर दीजिए। किसको संदेश देना है जी? आप अपना जो अंदर में जो खुशी हो कि आप फिर से आ गए हम बीजेपी परिवार में, तो उसको किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? सर, जहाँ तक होता है कि सुबह का भूला शाम को, शाम तो बड़ी देर, हम तो दिन ही को लौट गए। और देखिए, जैसा कि मतलब पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय कि जैसे कि अभी जो हमारा जो संगठन है, जो बीच में ऐसी स्थिति हो गई थी कि कुछ लोग थे कि जो पूछा ही नहीं जाता था, लेकिन जब से दीपेंद्र भैया ये बने हैं, संजय जायसवाल भैया प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और जैसे हम लोग पंचायती राज के तहत काम कर रहे हैं, जो सम्राट चौधरी जी जो जिस तरीके से इतना मतलब तत्परता रख के, और जो ज़रूरत थी हम लोग इसके लिए अध्यक्ष संघ शुरू से मिलते रह गए हैं मंत्री से, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं जो इन्होंने विगत 5-6 महीना में जो किया है। तो ये कार्य करने का जो शैली है, ये इससे मैं प्रभावित होकर फिर से वापस से, और शाम भी नहीं हुआ दिन क्योंकि दिन ही को वापस आ गए हैं हम तो। बहुत शुभकामनाएं आप बीजेपी परिवार में शामिल हुए। मैं मुकेश कुमार, सर्वोच्च दर्पण न्यूज से, जय हिंद।